मिल गया तुम लोगों को, बढ़ गई कलेजे को ठंडक, मिल गया तुम लोग को सुकून। और करो रणवीर सिंह को ट्रोल उसके कपड़ों को लेकर। बेचारा थक गया था तुम लोग की बात सुनते सुनते। कभी तुम लोग उसकी बीवी को लेकर के ट्रोल करते थे कि अपने बीवी के कपड़े पहनता है, तो कभी उसकी स्टाइलिंग सेंस को लेकर के ट्रोल करते थे कि नमूनों की तरह स्टाइल करता है। अरे पहले तो वो सिर्फ उल्टे सीधे कपड़े पहनता था ना, अब तो वो भी हटा दिया। कर लो ट्रोल और करो, पर भाई एक चीज तो है, लाइफ में कुछ हो ना हो कॉन्फिडेंस रणवीर सिंह जैसा होना चाहिए। भाई साहब बंदे ने हिला डाला। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भाई इससे अच्छा तो तू लहंगा ही पहन लेता। यार वो लहंगा भी कैसे पहनता, वो तो अमिताभ बच्चन ने ले लिया था, इसीलिए तो बेचारे को नंगा घूमना पड़ रहा है। बिना कुछ जाने समझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हो बेचारे रणवीर सिंह के बारे में, बिना उसकी मजबूरी जाने। बट यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार ये फोटो देखी थी ना, तो मैंने कहा कि माना गर्मी है पर इतना खुला। फिर मेरे शरीर के 200 ग्राम का ऑर्गन काम करने लगा और उसने मुझसे बोला, हो सकता है दीपिका ने अपना वार्डरोब लॉक कर दिया हो, या फिर वो अपने सारे कपड़े लेकर के मायके चली गई हो, बेचारे के पास पहनने को कुछ बचा ही ना हो। जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है रणवीर सिंह ने अपने गाने को बहुत सीरियसली ले लिया है। क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। भाई साहब कुछ भी हो, बॉडी मस्त है बंदे की। आई कांट गो डीप हियर, पर समझ जाओ ना मेरे दिल की बात। नोरा फतेही का फीमेल वर्जन लग रहा है बंदा। इस टाइम भारत की जिस भी महिला ने ये फोटो देखा होगा ना, उसने यही बोला होगा, क्या माल है यार। इनफैक्ट कल रात को मेरी रूममेट अपने दोस्त से रणवीर सिंह की फोटो देखने के बाद ऐसे बात कर रही थी। चलो ये सब तो था मजाक, पर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ कि आखिर क्यों होना पड़ा रणवीर सिंह को नंगा, आखिर क्यों होना पड़ा उसे इतना अश्लील, आखिर क्यों उतारे रणवीर सिंह ने अपने बदन के सारे कपड़े। तो बात ये है दोस्तों, हाल ही में रणवीर सिंह ने 120 करोड़ रुपए का घर लिया था, जिसकी ईएमआई भरते भरते रणवीर सिंह कंगाल हो गए। खुद को अब बैंकरप्ट दिखाने के लिए उन्होंने ये सब किया है, ताकि क्या पता इन सब के बाद बैंक वालों को इनके ऊपर दया आ जाए और उनके कुछ पैसे माफ हो जाए। नाइस स्ट्रेटजी यार रणवीर। तो आज के लिए इतना ही, पर तुम लोग रणवीर सिंह की कॉपी मत करने लगना, लेकिन मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो।